Hello you all, good evening people, welcome back to my channel सुंदर स्त्री। So देखिए अभी हम छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है बच्चों की, तो अभी हम जा रहे हैं अपने ससुराल और मायके। देखिए सब पैक हो गया है और बेंगलोर के ट्रैफिक से बचते हुए हम जा रहे हैं मैजिस्टिक, जहाँ से हम अपना बस पकड़ने वाले हैं। ये जो बस है स्लीपिंग कोच का है, फाइनली कोई हमें ट्रैफिक मिला नहीं। देखिए हम VRL के बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं, तो अभी हम अपने सीट पकड़ के अंदर बैठ जाएंगे। ये जो VRL का है ये जो बस, ये बहुत ही अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स रहते हैं इसमें। सो कभी भी हम जाते हैं गांव तो हमेशा इस टाइप के ही बुक करवाते हैं VRL का। सो देखिए अभी हम सीट के अंदर चले गए हैं, देख रहे हैं कौन सा सीट है हमारा। तो फाइनली अब हम जर्नी करते करते हम अपने ससुराल पहुंच गए हैं, फिर उतर रहे हैं। देखिए अभी उतरते ही देखिए नज़ारा कैसा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। ये हमारा बसवेश्वर चौक है जहाँ पे हम उतरते हैं यूजुअली, फिर अभी हम जा रहे हैं देखिए अपने ससुराल। ससुराल जाते ही सब कुछ काम करो फिर सेवा करो शुरू हो जाता है हमारा अलग से ड्यूटी। देखिए सुबह सुबह की धूप कितनी अच्छी लग रही है, सुबह के 7 बज रहे हैं, रात के 10 बजे वहाँ से बैठते हैं तो सुबह 7 बजे पहुँचते हैं वहाँ पे। देखिए अभी हम चलते चलते जा रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, दादा को मिलना है, दादी को मिलना है। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं, पूरा घर पहुँच गए हैं फाइनली। एक अलग ही खुशी है अपने घर के बड़ों से मिलने की, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद जाते हैं, बच्चों की जब छुट्टियां स्टार्ट होती है तब जाते हैं। फाइनली पहुंचते ही सब कुछ क्लीन करके नहा धो के भगवान की पूजा कर दी हम लोगों ने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा भगवान का पूजा घर। फिर उसके बाद पूजा करके अभी हम चाय पियेंगे, चाय सुबह की चाय पी के फिर अपना नेक्स्ट ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। तो अभी हम आराम से बैठ के थोड़ा सा चाय का लुफ्त उठाते हैं अपने ससुराल में। तो अभी हम ब्रेकफास्ट में बनाए हैं उपमा, जो कि आधा खाली हो चुका है, फिर लास्ट में हम खाने वाले हैं। उसके बाद फिर देखिए मेरे घर का नज़ारा कैसा है, देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा से सजाया है मेरी सास ने, वो दोनों ही रहते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से वो बहुत ही कम काम कर पाते हैं। लेकिन देखिए 12 बज गए हैं, अभी हम लोगों को लंच का तैयारी करना है। मेरी जो देवरानी है वो अपने मायके गई हुई है, तो अभी मैं ही अकेले ही हैंडल कर रही हूँ, जैसे जैसे मेरे को आता है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। फ्रिज में देखा तो बीन्स पड़े थे, तो सोचा कि बीन्स की सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैंने सास को भी पूछा ये बना लूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है बना लो। तो फिर मैं अपने सास को ही पूछ के सारा काम करती हूँ, क्योंकि उनकी भी पसंद नापसंद हमें जानने की बहुत ज़रूरी है, तो इसके वजह से बीन्स को मैं कट कर रही हूँ। कट करते करते देखिए उसके बाद फिर हम अपना इसको अच्छे से पका लिया है, तो हमारी बीन्स की सब्जी बहुत ही परफेक्टली रेडी हो गई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे को तो मुंह में फुल पानी आ रहा है, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्जी है। उसके बाद फिर देखिए सब कुछ रेडी हो गया है, फिर नेक्स्ट इसको ऐसे ही हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड रहते हैं ना बीन्स के, तो फिर उसकी वजह से इसको पूरा अच्छे से, इसको सॉफ्ट होने तक उसको पूरा अच्छे से पकाना चाहिए। यहाँ तो वातावरण देखने से इतना अच्छा है सब्जी की, हमारे घर के सामने इतने सारे पेड़ हैं, यहाँ पे बहुत ही सारा पेड़ है यहाँ पे, तो धूप तो लगती ही नहीं है, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर। बेंगलोर में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है, यहाँ आने के बाद तो इतनी गर्मी लग रही है, बाप रे बहुत ही ज़्यादा हीट है यहाँ पे एज़ यूजल। लेकिन देखिए मेरे घर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ये मेरे बच्चे ने वीडियो किया हुआ है, इसके जैसे बहुत ही अलग अलग एंगल से आ रहा है, लेकिन उसको भी अच्छा लगता है वीडियो को कैप्चर करना। सो देखिए उसी ने ही किया है सब कुछ, मम्मी को हेल्प कर रहा है, क्योंकि मम्मी का बेटा है तो मम्मी को हेल्प करेगा ही। नेक्स्ट देखिए अभी मैं बना रही हूँ, बीन्स की सब्जी बन गई है, तो थोड़ा सा लस्सी बना देती हूँ, जो राइस में खाते हैं हम लोग, उसको हम अपने कन्नड़ा में बोलते हैं मजगी सारू। सो अभी मैं बना रही हूँ, दही को अच्छे से फेंट लिया है पानी डाल के, अभी इसमें पूरा अच्छे से लहसुन का तड़का, फिर हरी मिर्ची का तड़का वगैरह सब कुछ लगा के अच्छे से इसको फेंटना है। पहले तो अच्छे से फेंट के थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मैं फेंट रही हूँ इसको,
फेंटने के बाद फिर अब इसको इसको जीरा और क्या बोलते हैं इसको डाल के अच्छे से छौंक लगाते हैं। तेल गरम हो गया है वहाँ पे, फ्रिज में देखा तो पड़े हैं करी पत्ता, थोड़े से ही पड़े थे तो मैंने ले लिया है उसको। अच्छे से उसको फुल फुल फ्राई करके अच्छे से इसके ऊपर डाल देते हैं, सब कुछ डाल के उसको मजगी सारू को अच्छे से तड़का लगा देते हैं। तो अभी मेरा मजगी सारू भी रेडी हो गया है, देखिए अभी मैं इसको पूरा अपने इसमें लस्सी में डाल दूँगी। तो ये राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको सांभर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खा खा के पक जाते हैं। इसकी वजह से ये एक टेस्टी रहता है और पेट में थोड़ा ठंडक भी रहता है। मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं, आते ही आने के बाद उनको सारे के सारे छुट्टियाँ मिल गई हैं, पढ़ाई से थोड़ा सा ये हो गया है। सो देखिए अभी मेरा भी मेनू देख लेते हैं। फाइनली मैं अपने ससुर को खाना दे रही हूँ, तो अभी मैं अच्छे से देख रही हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी किया है। देखिए यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है, यहाँ पे राइस भी रख दिया है मैंने और यहाँ पे मैंने चपाती भी बना दिया है। देखते देखते देखिए अभी थोड़ा सा खाना खा के वॉकिंग कर रहे थे तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप कब आए हो, कैसे था वहाँ पे, अभी दिवाली की छुट्टी में कितने दिन रहने वाले हैं, सब पड़ोसियाँ पूछ रहे हैं। तो अभी फिर से आपको कल मिलेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।